प्यारे दोस्तों, सवाल है आप सबका। हमने पिछली जमात तीसरी में बच्चों को ज़र्ब किस तरह से की जाती है ये सिखाया था। ज़र्ब यानी बार बार जमा करने का अमल होता है, ये हम बच्चों को समझा चुके हैं। अब जमात चारों में हम बच्चों को यहाँ पर तीन हिंसी आदात की ज़र्ब करना सिखाएंगे। पहले हम उन्हें मुकम्मल तीन हिंसी आदात की ज़र्ब सिखाएंगे, जैसे कि 200 से किस तरह से एक हिंसी आदात को ज़र्ब किया जाता है, 400 से, 700 से, पहले हम उन्हें ये सिखाएंगे। उसके बाद हम जो दूसरे तीन हिंसी आदात हैं, जैसे कि 212, 422, 375, इन आदात की किस तरह से एक हिंसी आदात के साथ ज़र्ब की जाती है, ये हम बच्चों को सिखाएंगे। हमने पिछले जमात में उन्हें मुखाली कीमत का इस्तेमाल और खाली का इस्तेमाल सिखा चुके हैं, बस उसी को हमें यहाँ पर फिर से दोहराना है। दूसरी बात जो हम उन्हें समझाएंगे कि तीन हिंसी जो आदात है उनको दो हिंसी आदात के साथ किस तरह से ज़र्ब की जाती है, ये भी हम उन्हें यहाँ पर समझाएंगे, ताकि बच्चे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात में ज़र्ब का बआसानी से इस्तेमाल कर सकें। हम बच्चों को यहाँ पर ज़र्ब में मौजूद जो हिंसों की तरतीब की खूबसूरती है वो भी हम यहाँ पर उन्हें सिखाएंगे कि किस तरह से अदद आते हैं, उनको दोहराया जाता है, किस तरह से ज़र्ब होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बच्चों को सिखाएंगे, ताकि ना सिर्फ उनकी इल्मी तरक्की हो बल्कि उनकी ज़हनी तरक्की हो, उनकी जिस्मानी तरक्की हो, उनकी सामाजिक तरक्की हो। बहरहाल जिस तरह से NEP 2020 कहता है, उनकी मजमू तरक्की का हमें यहाँ पर ख्याल रखना है। हम बच्चों को खेल खेल में या तजुर्बे के जरिए ये सबक सिखा सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं मेरे साथ ये सबक। ज़र्ब हिस्सा 1, जमात चारों।